दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो यह है सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 जो कि इंडस्ट्री की बेस्ट स्मार्ट वॉच है और इसका भी प्राइस चल रहा है 16,000 रुपये। जबकि इसकी बात करें तो यह है वॉच 4 और यह गैलेक्सी वॉच 4 का क्लोन है और इसका प्राइस है 2500। तो ये काफ़ी चीप है। बाकी देख सकते हैं लुक वाइज दोनों बिल्कुल एक जैसी है, कोई पहचान नहीं पाएगा कि कौन सी ओरिजिनल है और कौन सी फेक है। तो क्या आप लोगों को 2500 रुपये में इस वॉच को लेना चाहिए या नहीं, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी आप लोगों में से काफ़ी सारे भाइयों की रिक्वेस्ट आई थी कि भाई इसका रिव्यू कर दो, तो मैंने इसको मंगा लिया है। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दें। बाकी इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है क्योंकि ये काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी कमाल की वॉच है और ये एक तरह से फैशन वॉच है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोगों के मन में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं बॉक्स कंटेंट से। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का बॉक्स मिल जाता है। ओरिजिनल वॉच की बात करें तो यहाँ पर आपको प्रॉपर ब्रांडिंग मिलती है सैमसंग की और गैलेक्सी वॉच 4 लिखा हुआ मिलता है। और बैक साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको बारकोड वगैरह भी मिल जाते हैं। जबकि क्लोन की बात करें तो यहाँ पर बस वॉच की डिज़ाइन बनी हुई मिलती है और वॉच 4 लिखा हुआ मिलता है। और बैक साइड भी यहाँ पर देख सकते हैं मेड इन चाइना लिखा हुआ मिलता है। तो इस तरह का आपको बॉक्स मिलने वाला है। बॉक्स के अंदर की बात करें तो यहाँ पर ओरिजिनल वॉच में आपको इस तरह का एक और बॉक्स मिलता है जिसमें आपको यूज़र मैनुअल और इस तरह का आपको चार्जिंग पैड मिल जाता है जो कि एक वायरलेस चार्जर है। बाकी इस तरह से वॉच रखी हुई मिल जाती है। वहीं बात करें क्लोन वॉच की तो यहाँ पर आपको सबसे पहले वॉच इस तरह से रखी हुई मिल जाती है और अंदर साइड में आपको इस तरह से निकालने के बाद यूज़र मैनुअल मिल जाती है और एक चार्जिंग पैड मिल जाता है जो कि एक वायरलेस चार्जर है। तो दोनों में आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है और दोनों में आपको मैनुअल मिलती है और एक वॉच मिल जाती है। तो अब इसको ऑन करते हैं और फ़ोन से पेयर करते हैं। और यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी 4 लिखा हुआ आ गया है और वॉच ऑन हो रही है और इसमें आपको WWFit एप्लीकेशन का सपोर्ट मिल जाता है। तो मैंने डाउनलोड कर लिया है, अब इसको पेयर करते हैं। और पेयर करना काफ़ी ईजी है, आपको जाना है ऐड डिवाइस में और यहाँ पर वॉच आ जाएगी। तो काफ़ी सारी वॉच आ चुकी है और यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद ये आसानी से पेयर हो जाएगी। डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको हूबहू गैलेक्सी वॉच 4 जैसी डिज़ाइन देखने को मिल जाती है और बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है दोनों में। अगर कोई दूर से देखेगा तो बिल्कुल भी पहचान नहीं पाएगा कि कौन सी ओरिजिनल है और कौन सी फेक है। बाकी अगर पास आकर यूज़ करेगा तो उसको तुरंत पता चल जाएगा। तो डिज़ाइन इसकी ज़बरदस्त है। बाकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको मेटालिक बिल्ड मिल जाती है और बिल्ड क्वालिटी भी इसकी काफ़ी ज़्यादा क्लोज है ओरिजिनल वॉच से। तो बिल्ड क्वालिटी भी मुझे काफ़ी ज़्यादा इसकी पसंद आई और देख सकते हैं बिल्कुल प्रीमियम यहाँ पर आपको बिल्ड मिल जाती है। बाकी काफ़ी सारे फिजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्लोन वॉच है वहाँ पर आपको बीच में माइक्रोफोन का होल मिलता है जबकि ओरिजिनल में नहीं मिलता है। और इस साइड की बात करें तो यहाँ पर भी आपको बीच में होल मिलेगा क्लोन वॉच में। जबकि स्पीकर वेंट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओरिजिनल में आपको इस तरह का वेंट मिलता है और क्लोन में इस तरह का वेंट मिलता है। और बैक साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको ओरिजिनल में ग्लास बॉडी मिलती है और यहाँ पर माइक्रोफोन है, जबकि क्लोन में आपको इस तरह की बॉडी मिलती है। और देख सकते हैं यहाँ पर सेंसर्स में भी काफ़ी सारे चेंजेस दिए गए हैं। बाकी यहाँ पर बटन में कोई भी चेंज नहीं है और दोनों में आपको एग्जैक्टली एक जैसी बटन मिलती है। यहाँ पर आपको जो बकल मिलता है वो ओरिजिनल में ब्लैक मिलता है जबकि फेक में आपको इस तरह का सिल्वर बकल मिल जाता है। बाकी डिज़ाइन वाइज देख सकते हैं दूर से कोई भी पहचान नहीं पाएगा, बिल्कुल एक जैसे आपको डिज़ाइन देखने को मिल जाती है। वहीं बात करें स्ट्रैप की तो स्ट्रैप की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी इसकी लगी मुझे। बाकी ओरिजिनल से इसको कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी प्रीमियम स्ट्रैप मिलता है, जबकि यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छा स्ट्रैप मिल जाता है प्राइस के अकॉर्डिंग। तो डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी इस वॉच की ज़बरदस्त है अपने प्राइस के हिसाब से, और ओरिजिनल से कंपेयर करें तो काफ़ी हद तक क्लोज है। इसमें आपको 1.32 इंचेस की TFT डिस्प्ले मिल जाती है जिसकी क्वालिटी डिसेंट है और यहाँ पर आपको ज़्यादा रेजोल्यूशन नहीं मिलता है तो डिस्प्ले उतनी ज़्यादा शार्प नहीं है, पिक्सल नज़र आएंगे। ब्राइटनेस की बात करें तो डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट है और आउटडोर में आराम से यूज़ कर सकते हैं इसको। रही बात बेजल की तो यहाँ पर आपको काफ़ी मोटे मोटे बेजल देखने को मिल जाते हैं इसमें। तो देखा जाए तो डिस्प्ले यहाँ पर आपको डिसेंट मिल जाती है। वहीं इसको कंपेयर करें ओरिजिनल से तो वहाँ पर आपको बड़ा डिस्प्ले मिलता है और सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है जिसकी क्वालिटी अमेजिंग है। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी महंगी वॉच है और बिल्कुल ज़बरदस्त वॉच है, जबकि ये एक तरह से क्लोन वॉच है और फैशन वॉच है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी डिस्प्ले मुझे सही लगी। बाकी अगर आप देखेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि डिस्प्ले इसकी छोटी है तो ये फेक वॉच है। इसमें आपको रेस्ट वे फंक्शन भी मिल जाता है और अच्छे से वर्क करता है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो जैसे ही बैंड को ट्विस्ट करेंगे इसकी डिस्प्ले ऑन हो जाएगी और काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। वहीं बात करें वॉच फेस की तो यहाँ पर आपको बिल्ट इन 7 वॉच फेस मिल जाते हैं वॉच में और इसमें आप अपना कस्टम वॉच फेस भी लगा सकते हैं। और एप्लीकेशन की बात करें तो ओनली आपको 37 वॉच फेसेस का सपोर्ट मिल जाता है। फीचर्स की बात करें तो चलते हैं इसकी मेन्यू में। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको फोन बुक का फीचर मिल जाता है और यहाँ पर आपके फ़ोन के सारे कॉन्टैक्ट सिंक हो जाते हैं, ये मुझे काफ़ी सही लगा। उसके बाद यहाँ पर आपको डायल पैड भी मिल जाता है तो नंबर डायल कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद चलते हैं तो यहाँ पर आपको कॉल लॉक का फीचर मिल जाता है तो कॉल हिस्ट्री आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप नोटिफिकेशन को देख सकते हैं और यहाँ पर आपको फाइंड डिवाइस का फीचर मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको अलार्म का फीचर मिल जाता है और देख सकते हैं यहाँ पर आप अलार्म भी सेट कर सकते हैं वॉच से, ये काफ़ी सही चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर आपको कैलेंडर मिल जाता है तो यहाँ से कैलेंडर आप देख सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पर आपको म्यूज़िक कंट्रोल का फीचर मिल जाता है और काफ़ी सही से वर्क करता है। और इस वॉच में आपको स्पीकर भी मिल जाता है, तो इस पर भी आप म्यूज़िक को सुन सकते हैं। बाकी मैं सैंपल आप लोगों को सुना देता हूँ। तो देख सकते हैं स्पीकर की क्वालिटी काफ़ी सही है, काफ़ी क्लियर आवाज़ आती है और लाउडनेस भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। बाकी देख सकते हैं यहाँ पर आपको वॉल्यूम कम और ज़्यादा करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। उसके बाद चलते हैं तो यहाँ पर आपको ब्लूटूथ का फीचर मिल जाता है और देख सकते हैं ये मेरे आईफोन के साथ पेयर है। उसके बाद यहाँ पर आपको वेदर का फीचर मिल जाता है, बट ये वर्क नहीं करता है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस तरह से रिफ्रेश होता रहता है बट वेदर शो नहीं होता है इसमें। उसके बाद यहाँ पर जाएंगे तो आप कितने स्टेप्स चले हैं वो यहाँ पर आपको शो हो जाता है। यहाँ पर आपको स्लीप ट्रैकिंग का फीचर भी मिल जाता है और देख सकते हैं मैं इसको पहनकर सोया भी नहीं और इसने स्लीप ट्रैकिंग कर ली, तो ये बिल्कुल फेक मिलता है। उसके बाद चलते हैं तो इसमें आपको सेडेंटरी रिमाइंडर का फीचर मिल जाता है और इसको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हार्ट रेट का फीचर तो मिलता है बट इसमें आपको कोई भी सेंसर नहीं मिलता है, बस LED लाइट मिलती है। तो हार्ट रेट पूरी तरह से फेक है और मैंने इसको चेक किया तो ये हवा में ही रीडिंग कर लेती है, तो जो हार्ट रेट मिलता है वो बिल्कुल फेक मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको वॉइस असिस्टेंट का फीचर भी मिल जाता है बट ये भी वर्क नहीं करता है, जैसा कि ये फ़ोन के साथ कनेक्ट है और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो जैसे उस पर टैप करते हैं ये कॉल लगा देता है, तो ये फीचर भी वर्क नहीं करता है सही से। उसके बाद यहाँ पर आपको QR कोड का फीचर मिल जाता है, तो QR कोड को स्कैन करके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको स्टॉप वॉच का फीचर मिल जाता है जो कि वर्क करता है। इसमें आपको कैलकुलेटर भी मिल जाता है, तो इसको आप आराम से यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इस वॉच का टच रिस्पॉन्स काफ़ी सही है, तो आप गुणा गणित इसमें कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं तो यहाँ पर आपको दो तरह के थीम मिल जाते हैं, एक ब्लैक मिलता है और दूसरा कुछ इस तरह का मिलता है जैसा कि आप देख सकते हैं। बैकग्राउंड में हल्का हल्का आपको इफेक्ट दिखाई देगा, तो कुछ इस तरह का आपको थीम मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आपको सेटिंग मिल जाती है और यहाँ पर आपको रेस्ट वेक का फीचर मिलता है जिसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं तो इसमें आपको ब्लड प्रेशर का फीचर भी मिल जाता है जो कि 100% फेक है। और इस वॉच में आपको 7 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप एक्टिविटी रिकॉर्ड्स देख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और यहाँ से आप ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद होम में जाएंगे तो यहाँ पर आपको 3 तरह की मेन्यू स्टाइल मिल जाती है, एक है स्मार्ट स्टाइल जैसा कि एप्पल वॉच में मिलती है, और दूसरी स्टाइल की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की स्टाइल मिल जाती है, और तीसरी स्टाइल की बात करें तो जैसा कि आप अभी देख रहे हैं इस तरह की आपको स्टाइल मिल जाती है। और लास्ट में यहाँ पर आपको कैमरा शटर का फीचर भी मिल जाता है, उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं कि वर्क करता है या नहीं। तो देख सकते हैं ये फीचर भी वर्क नहीं कर रहा है। बाकी एक बार एप्लीकेशन में जाकर देखते हैं कि वहाँ पर ये वर्क करता है या नहीं। तो ये फीचर भी किसी काम का नहीं है, वर्क नहीं करता है। तो यही सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं इसमें। बाकी देखा जाए तो आधे फीचर्स फेक हैं, बाकी आधे फीचर्स वर्क करते हैं। हेल्थ फीचर्स की एक्यूरेसी की बात करें तो यहाँ पर इसमें पेडोमीटर वर्क करता है, उसके अलावा कोई भी फीचर वर्क नहीं करता है, सभी फेक मिलते हैं। और इसके पेडोमीटर की एक्यूरेसी काफ़ी तगड़ी है, मैंने 100 स्टेप्स लिए और इसने 103 काउंट किए, उसके बाद मैंने 200 स्टेप्स लिए और इसने 209 काउंट किए, तो रिजल्ट काफ़ी एक्यूरेट आया। तो पेडोमीटर इसमें वर्क करता है, बाकी उसके अलावा कोई भी फीचर वर्क नहीं करता है। कॉल क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी का माइक्रोफोन और स्पीकर मिल जाता है, तो आराम से आप इस पर बात कर सकते हैं। और मैंने एक दो कॉल इस पर अटेंड किए तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। हेलो, हाँ भाई, आवाज़ जा रही है? हाँ, आ रही है। एक वॉच आई थी उसी को टेस्ट कर रहे थे, तो सही जा रही है? हाँ, ठीक है, क्लियर आ रही है। ठीक है भाई, ओके। और एक चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई कि इसमें आपके फ़ोनबुक के सारे कॉन्टैक्ट सिंक हो जाते हैं, ये काफ़ी बड़ी बात है। तो देखा जाए तो एक तरह से कॉलिंग के लिए काफ़ी सही वॉच अपने प्राइस के हिसाब से। और नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको मैसेज की नोटिफिकेशन मिल जाती है और लेंथ काफ़ी अच्छी खासी मिलती है, आप लंबा मैसेज इसमें पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें आपको हिंदी का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो अगर कोई हिंदी में मैसेज भेजता है तो इस तरह से लिखा हुआ आएगा। बात करें कनेक्टिविटी की तो उसकी कनेक्टिविटी भी काफ़ी सही है और मुझे कोई भी इशू देखने को नहीं मिला। अगर फ़ोन का ब्लूटूथ ऑफ करते हैं दोबारा से ऑन करते हैं तो ये फटाफट से पेयर हो जाती है। और ऐप सपोर्ट की बात करें तो इसमें आपको WW फिट एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलता है। और एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो काफ़ी बेसिक सी एप्लीकेशन है, ज़्यादा फीचर्स आपको नहीं मिलते हैं। सबसे पहले पेज पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको स्लीप, हार्ट रेट, ये सब डेटा शो हो जाता है जो कि फेक है। दूसरे पेज पर जाएंगे डिवाइस में तो यहाँ से वॉच फेस को चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर नीचे जाएंगे तो आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, अलार्म सेट कर सकते हैं। उसके बाद हार्ट रेट, फाइंड वॉच, मैसेज पुश, ये सब फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी माई में जाएंगे तो यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल वगैरह देख सकते हैं। तो काफ़ी सिंपल सी एप्लीकेशन है, बाकी उतनी कुछ खास नहीं है।
और कनेक्टिविटी इस वॉच की काफ़ी सही लगी मुझे। बात करें इस वॉच की यूआई की तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा यूआई देखने को मिल जाता है, बट कहीं कहीं पर लैग भी करता है और कभी कभी हैंग भी हो जाता है। जब ज़्यादा नोटिफिकेशन आती है तो वहाँ पर इसका यूआई अटक जाता है, तो ये चीज़ मुझे देखने को मिली इसमें। ऊपर से स्वाइप डाउन करके तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है, उसके बाद नीचे से स्वाइप अप करेंगे तो यहाँ पर आपको क्विक एक्सेस मेन्यू मिल जाती है, जहाँ से आप सेटिंग में जा सकते हैं, ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसके बाद DND, और यहाँ से आप थीम चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको फाइंड डिवाइस का फीचर मिल जाता है। उसके बाद लेफ्ट साइड से स्वाइप करेंगे तो यहाँ से वॉच फेस चेंज होगा, और राइट साइड से स्वाइप करेंगे तो भी वॉच फेस चेंज होगा। बाकी ऊपर वाले बटन को प्रेस करेंगे तो आप मेन्यू में चले जाएंगे, जहाँ पर आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं, और नीचे वाले बटन को प्रेस करेंगे तो डिस्प्ले ऑफ और ऑन कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का यूआई मिल जाता है इसमें। लास्ट टाइम आते हैं बैटरी बैकअप पे, तो इसका बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको 1 से 2 दिन का आराम से बैटरी बैकअप मिल जाएगा अगर आप कॉलिंग फीचर को यूज़ करेंगे, और अगर आप कॉलिंग फीचर यूज़ नहीं करेंगे तो आपको 3 से 4 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, जो कि डिसेंट है कॉलिंग वॉच के हिसाब से। तो बैटरी बैकअप यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो अब आते हैं वर्डिक्ट पे कि क्या इस वॉच को लेना चाहिए या नहीं। तो जिन लोगों को फिटनेस के लिए वॉच लेना है वो लोग इससे दूर रहे, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादातर फीचर्स फेक मिलते हैं, बस इसमें पेडोमीटर वर्क करता है। बाकी ये एक फैशन वॉच है, तो जिन लोगों को फैशन के लिए लेना है वो लोग ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो डिज़ाइन मिलती है हूबहू गैलेक्सी वॉच 4 जैसी मिलती है, और लुक वाइज काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है वॉच। बाकी कॉलिंग पर्पज़ के हिसाब से भी काफ़ी सही है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो कॉल क्वालिटी मिलती है वो काफ़ी अच्छी मिलती है। तो जिन लोगों को कॉलिंग पर्पज़ के लिए लेना है या फिर नोटिफिकेशन देखने के लिए, वो लोग भी इसको ले सकते हैं। तो अगर आप लोगों को लेना है तो अपने हिसाब से देख लीजिए, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी जिन लोगों का बजट ज़्यादा है तो वो लोग गैलेक्सी वॉच 4 ले सकते हैं ओरिजिनल वाली, और इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो काफ़ी कमाल की वॉच है, और 16,000 के हिसाब से तो बिल्कुल तबाही वॉच है, आग बन करके आप लोग ले सकते हैं इसको। तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने ख्याल रखें, बाय।